और टीवी 9 भारतवर्ष पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि हाथरस हादसे को लेकर राहुल गांधी के दिल में दर्द है, मगर बाबा पर एफआईआर की बात पर इमरान मसूद चुप्पी साध गए। टीवी 9 संवाददाता विपिन चौबे ने इमरान मसूद से खास बातचीत की है। इस पूरी घटना के लिए कांग्रेस किसको जिम्मेदार मानती है? क्या उसके आयोजक जिम्मेदार है? क्या भोले बाबा तथाकथित जो खुद को भगवान बताता है वो जिम्मेदार है, या फिर सरकार की वो व्यवस्था? अगर सरकार ने पूरी व्यवस्था की होती तो शायद इस तरह का स्टैम्पेड नहीं होता और 122 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत नहीं होती। देखिए, क्या फेलियर रहे तो इनकी सरकार ने जांच बैठाई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, जांच के बाद ये तय करेंगे कि क्या कौन जिम्मेदार है। भोले बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए? हमारी नहीं, हमारा काम है कि हम लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दें। हमारा काम है हम जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ खड़े हुए दिखाई दें, हम पीड़ित पक्ष के साथ। उस बाबा पर कार्रवाई चाहते हैं जिसके बुलावे पर इतनी बड़ी भीड़ पहुंची थी, जो भी इसमें और वहां पर अव्यवस्था थी, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है, लोग कह रहे हैं कि उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। नहीं नहीं, ये देखिए, ये सब जांच के विषय हैं। इनके ऊपर जब जांच हो रही हो और सरकार भी हाईकोर्ट के जज से जांच करा रही हो तो उनकी जांच आने दीजिए ना। क्या है, आप संतुष्ट हैं सरकार की अब तक की कार्रवाई से? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं। मैंने पहले दिन कहा था कि सरकार को इनको मुआवजा देना चाहिए और इनको इतना, क्योंकि फेलियर सरकार का है। आदमी भले ही बाबा ने बुला लिया लेकिन फेलियर सरकार का है, इनको मुआवजा देना चाहिए। तो सरकार को मुआवजे का ऐलान करना चाहिए, सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। और बाबा साकार हरी के वकील एपी सिंह ने मैनपुरी के बिछुआ आश्रम पहुंचकर बाबा हरी से बात की है। दोनों के बीच बातचीत क्या हुई, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बाबा की क्या गलती देखते हैं आप, क्या गलती है? नहीं, नहीं है? कोई गलती नहीं, उनकी किस लिए गलती? वो तो घटना स्थल से जा चुके थे, जब घटना हुई उससे पहले ही जा चुके थे। ये बताइए, बाबा से आपकी कोई बातचीत हुई या आप आश्रम में आए हैं मिलने के लिए? क्या नहीं, मिलने नहीं आया मैं तो, आप लोगों ने बुलाया तो इसलिए आया हूँ। और मुझे मिलने का कोई काम भी नहीं, मुझे जिम्मेदारी अभी सब इंजर्ड सही, कोई ऐसी परमानेंट डिसेबिलिटी ना हो, लोग पहुँच जाएं और मृतकों के परिवार को शांति हो जाए, उनकी व्यवस्थाएं हो जाएं और जो लोग अभी कोई लावारिस लाश ना रह जाए, अपने परिजनों के द्वारा उनकी अंतिम संस्कार हो जाए, सम्मान के साथ हो जाए, ये व्यवस्था। मेरा आखिरी सवाल, कोई मैसेज या मैसेंजर के थ्रू या फोन पे आपकी बाबा जी से बातचीत हुई? बाबा नारायण साकार, नारायण साकार हरी फोन नहीं रखते, मुझे बताया गया, मोबाइल नहीं रखते। मैंने भी अपने जूनियर से चेक करवाया, कोई व्हाट्सएप, कोई इस तरह का सोशल मीडिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक लिंक्डइन, कोई ट्विटर, कोई पेज, कोई फेसबुक, कुछ नहीं उनका मिला, वो कुछ नहीं। आपसे बातचीत कैसे हुई, कुछ हुई है बातचीत? हाँ, बातचीत किसी व्यक्ति ने कराई और उन्होंने कहा कि हाँ ये एडवोकेट है, मैं तो इन्हें जानता हूँ।